हेलो फ्रेंड, मैं विजीत, आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल ट्रू फैक्ट। सो आज हूवर डैम के बारे में आप लोग को कुछ बातें बताऊंगा। तो हूवर डैम यूनाइटेड स्टेट का हाईएस्ट कंक्रीट आर्च डैम है। हूवर डैम का नाम 1933 तक बोल्डर डैम था। बाद में 1947 में कांग्रेस के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर के लिए आधिकारिक तौर पर इसका नाम हूवर डैम रखा गया है। इसका लोकेशन है कोलोराडो नदी के ऊपर, अमेरिका के नेवादा और एरिजोना राज्य के बीच की सीमा पर है। कंस्ट्रक्शन की बात बोलूं तो ये डैम अप्रैल 20, 1931 में बनना स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ था मार्च 1, 1936 में। इस डैम को बनने में कॉस्ट हुआ था $49 मिलियन 1931 में। अगर इस डैम को अभी बनाया जाता तो कॉस्ट पड़ता $811 मिलियन। ये डैम 726 फीट हाई और 1244 फीट लॉन्ग है। ये 33,60,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट से बना हुआ है। ये डैम का एड्रेस है 81 हूवर डैम एक्सेस रोड। अगर वाटर लेवल का बात आप लोग को बोलूं तो 1936 में वाटर लेवल था 1025 फीट। लेवल बढ़ते कमते रहता है। अभी करेंट वाटर लेवल है 1079 फीट और 1997 में सबसे ज्यादा वाटर लेवल था लगभग 1215 फीट। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हूवर डैम। ये डैम का पर्पस है पानी के बहाव को बिजली प्रदान करने का उपयोग बनाना। बांध के अन्य कारण में से एक है सैलाब के जोखिम को कम करना, शहरों और कस्बों के लिए पानी उपलब्ध करना। थर्ड पॉइंट है बांध को बनाने में 10,000 से अधिक लोगों को लगा और इसके निर्माण के दौरान 100 से अधिक लोगों का मौत हो गया। चौथा पॉइंट है ये डैम 726 फीट ऊंचा है। ये नीचे की तरफ 650 फीट मोटी और सबसे ऊपर 45 फीट मोटी है। तो पांचवा पॉइंट है 1936 में जब ये डैम बनके खत्म हुआ था तब ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एंड ऑल्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर था। सिक्स पॉइंट है ये डैम बनवाने में जो कंक्रीट यूज हुआ था वो कंक्रीट अगर हाईवे बनवाने में काम आता तो 4,000 माइल टू लेन हाईवे बन जाता। तो ओ लेन इतना बड़ा होता, हाईवे इतना बड़ा होता सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क हो जाता। सेवन पॉइंट है हूवर डैम का पावर कैपेसिटी है 1345 मेगावाट। एक ईयर में ये 4.2 बिलियन किलोवाट बना सकता है। अगर अट्रैक्शन डिटेल्स का बात बोलूं तो ये संडे टू मंडे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ओपन रहता है और इस डैम का टूर का कॉस्ट है $30 पर पर्सन। डैम टूर टिकट व्यक्तिगत रूप से खरीदा जाना चाहिए। अगर आप लोग पावर प्लेन टूर करना चाहते हैं तो पर पर्सन $11 लगेगा एज 17 से 61 तक। अगर आपका एज 62 और उससे ज़्यादा है तो आपको $9 चाहिए और अगर आपका एज 3 से 16 तक है तो भी आपसे $9 लिया जाएगा। अगर आपका उम्र 3 साल से कम है तो टिकट फ्री है। और पार्किंग कॉस्ट अगर चाहिए तो पार्किंग कॉस्ट है $7 गैरेज में से फ्रॉम द विजिटर सेंटर तक। अगर आप लोग के पास डैम टूर और पावर प्लांट का टिकट नहीं है तो पार्किंग कॉस्ट $8 लगेगा। और कुछ रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे एज, हाइट और वेट को लेकर, तो आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। 8 ईयर से कम की उम्र के बच्चों और व्हीलचेयर या बैसाखी पर उन लोग के लिए यात्रा एक्सेसिबल नहीं है, बट ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ डैम टूर के लिए है। अगर आप लोग पावर प्लांट टूर करना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई एज, हाइट और वेट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।